So hi everyone, welcome back to my channel. Especially those new here. So hi, my name is Pooja and you are watching Pooja's Fashion and Pooja's Style. And in this video, मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने सरस मेला से क्या क्या खरीदा है. Because मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उस पर मैंने पूरा आपको सरस मेला घुमाया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मैंने क्या क्या खरीदा था. इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने सरस मेला से क्या क्या खरीदा. और जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, ये वीडियो देखने से पहले मैं चाहूंगी कि पहले वही वाली वीडियो देखें, तो आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगेगी. तो नाउ क्वेश्चन अराइज दैट कि मैंने क्या क्या खरीदा है वहां से, तो उसके लिए चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट वेस्ट एंड लास्ट जंप टू द वीडियो. क्या क्या खरीदा है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ बिकॉज आज मेरा लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, ऐसा मुझे ही लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है. बिकॉज आज मैंने ना ये स्लीव्स पहनी हुई है बिकॉज बारिश हो गई है अभी भोपाल में. लास्ट नाइट बारिश हुई है तो ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, पर मैं अंदर हूँ तो मुझे कम लग रही है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड है. तो उसके हिसाब से मुझे हाथों में थोड़ा ठंड लग रही थी, तो मैंने ये स्लीव्स पहनी जो कि मैंने मंगवाई थी मीशो से. तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना. मुझे क्वालिटी 10/10 लगी और बहुत ही परफेक्ट लग रही है मुझे, और काफी बुलंद टाइप में भी है तो ठंड भी नहीं लग रही है. करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं. सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं मैंने क्या क्या खरीदा है सरस मेला. ये है कि सरस मेला में सिर्फ राजस्थानी ही सारा सामान हो ऐसा नहीं होता, काफी शॉप्स ऐसी भी हैं जहाँ पे ऑल काइंड ऑफ आइटम्स आपको मिलेंगे वहाँ पे. और ये थे तो ये वाले इयररिंग्स जो फर्स्ट है, जो कि मेरी पसंद ही मम्मी की पसंद है, पर बहुत ही प्यारे लगते हैं जब मैं पहनती हूँ. और जिन्होंने मैंने शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इन इयररिंग्स पे, अगर नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं. तो ये वाले जो इयररिंग्स थे ये उन्होंने मुझे 60 के बताए थे, बट मुझे 40 के मिले. बिकॉज उन्होंने मैंने 4 से 5 पीस लिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आप ज्यादा पीस लोगे तो ही थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, और अगर एक ही लेना है तो नहीं करेंगे. तो इस कारण मुझे वहां पे 4 से 5, 5 से 6 आई डोंट नो, देखते हैं अभी क्या क्या है, अभी शेयर करते हैं, पता चलेगा कि 5 से 6 थे कि 7 थे. तो ये वाला मुझे 40 का, हाँ तो ये मुझे 60 का बोला था उन्होंने, तो मुझे 40 का मिला था ये. और बहुत ही प्यारे लगते हैं, मैं आने वाली वीडियोस में सब चीज शेयर करूंगी. सो आई जस्ट लव दिस बिकॉज आया था मम्मी की पसंद थी, तो मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ. ये दो तो हो गए इन लोगों की पसंद, ये वाली मेरी मासी की पसंद की थी. बहुत ही प्रिटी लगते हैं जब मैं पहनती हूँ, क्योंकि ये वाले जो कलर होते हैं ना, ये ब्लैक और ये सिल्वर या फिर स्टोन वाले, ये हर टाइप के कपड़ों में मैच हो जाते हैं. ये तो ऐसे हैं कि वेस्टर्न में भी और ट्रेडिशनल में भी हर टाइप के कपड़ों में मैच हो जाएगा, बहुत ही प्रिटी लुक आता है. मैं इसमें भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ शॉर्ट, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप चेक कर सकते हैं. सो ये वाले भी मुझे 40 के मिले थे. सब मैक्सिमम सबका रेट उन्होंने 60 रख रखा था, लेकिन मैंने ज्यादा लिया तो उन्होंने मुझे 40 लगा दिए थे, 20 रुपीज का कर दिया था उन्होंने. बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कॉस्टली ही थे, मुझे सही रेट पर मिल गए हैं तो मैंने ले लिए. झुमकी थी ये मैंने ली थी बिकॉज मेरे पास छोटे साइज की झुमकी जो भी बोलो नहीं थी, तो मुझे सूट में या लहंगा जो मैं पहनती रहती हूँ मुझे उसमें चाहिए थी इस टाइप की, तो मैंने ले ली और बहुत प्रिटी लुक आता है. जैसा मतलब मुझे चाहिए था वैसे ही मुझे मिल गई. ये मुझे जरूर 50 की पड़ी थी बिकॉज इसका जो ये वाला वो है ये थोड़ा सा हैवी है और झुमकियाँ काफी हैवी है उसके साइज में मच जाना, इसलिए उन्होंने मुझे ये 50 की दी थी. क्योंकि ये उन्होंने 70 की थी तो उन्होंने मुझे 50 लगा के दी थी. मैंने इसको भी फाइनल कर लिया था, बहुत ही प्यारा लुक देती है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने जल्दी से ले ली. तो अब बारी है मेरे फेवरेट इयररिंग्स की, जो कि है ये. बहुत ही प्यारे और बहुत ही सोबर, बहुत ही प्रिटी लगते हैं, मेरे को बहुत पसंद है ये. मैंने इसलिए अभी तक ये पहने नहीं है एक भी बार, कोई अच्छी सी खास स्पेशल ड्रेस में पहनूंगी. और अभी आने वाले हैं काफ़ी कुछ चीज़ें जिनमें मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ, काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं, काफ़ी आउटफिट्स ऐसे हैं, तो उनमें मैं ये वेयर करूँगी ही करूँगी बिकॉज मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे कुछ अच्छे सा ड्रेसअप चूज़ करना पड़ेगा. ये भी 70 के थे और ये भी उन्होंने मुझे 50 में दिए. इस टाइप का मुझे चाहिए ही चाहिए था, पहले भी मेरे पास इसमें का एक पीस था, लेकिन वो पता नहीं शादी पार्टियों में मेरी या कोई कज़न ले गई या कोई मेरी फ्रेंड ले गई, मुझे याद नहीं है. पर इसलिए मुझे इस टाइप का एक चाहिए ही चाहिए था, तो मेरे को फाइनली मिल गया. बिल्कुल सेम ही ऐसी थी, बस थोड़ा बहुत ही चेन खरीदी थी मैंने, जो कि मुझे 30 रुपीज की मिली थी. बिकॉज अगर रिंग की बात करें ना तो 50 से बिलो तो कोई आपको रिंग मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो 50 से अब अभी मिलेगी, लेकिन मुझे ये 30 रुपीज की मिल गई. वहां पे थी तो ये भी 50 की, बट मैंने सारी चीजें इकट्ठी ली तो उन लोगों ने मुझे काफी मतलब की डिस्काउंट कर दिया था, तो मैं काफी हैप्पी थी. तो ये वाली रिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं पहनती भी हूँ उसको. फिलहाल अभी तो मैंने नहीं पहनी क्योंकि अभी मेरे पास पहले की काफी रिंग है जो मैं पहन लेती हूँ, अब नेक्स्ट वीडियोज में मैं पहनूंगी इनको. तो ये भी मैंने फाइनल कर ली, मुझे सब बहुत अच्छे बजट में मिल गया वहां से. किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये मतलब कि जो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था ना, तो उसमें किसी ने मुझसे पूछा था
ये कहाँ है, जबकि वो भोपाल से ही है। तो मुझे पता है कि 70% लोगों को नहीं पता कि सरस मेला कहाँ पर लगता है। और मैं बता दूं कि सरस मेला हमेशा लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ महीनों के लिए लगता है या कुछ महीनों के लिए लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा लगा रहता है। और कभी कभी मतलब ज्यादा शॉप हो जाती है उसमें, कभी कभी कम, लेकिन रहता वो हमेशा ही है। और इस टाइम पे अगर जाओगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगा मिलेगा। अभी तो शॉप्स ना बाहर तक लग गई है, मतलब कि बहुत ही, मतलब कि सारी शॉप जितनी है वो अंदर साइड को लगती है, लेकिन अभी कुछ टाइम हुआ है, मतलब मैंने नहीं देखा है, मैं काफी टाइम से भी गई नहीं हूँ, मतलब कि अभी मेरे को 2 महीने तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट कि मैं वहां से होके आई हूँ, लेकिन अभी मैं बीच में वहां से निकली थी तो मैंने देखा था शॉप बाहर से भी लगी हुई थी, काफी शॉप लगी हुई थी। तो जिन्हें चेक करना है वो जा के चेक कर सकते हैं। और लोकेशन मैंने बताई थी आपको, एमपी नगर बोर्ड ऑफिस के पास डीवी मॉल है, डीवी मॉल के जस्ट बगल में ही लगता है सरस मेला। वहां पे जाके किसी से भी पूछना, कोई भी बता देगा आपको, बट मैं खुद फर्स्ट टाइम गई थी, बिकॉज मैंने बताया था मेरी मौसी जाया करती थी बहुत पहले, तो उन्होंने वहां से काफी बार ज्वेलरी खरीदी, और अब उन्हें पता है मुझे काफी शौक है ज्वेलरी का और मैं अक्सर खरीदती रहती हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा एक बार वहां पे चलते हैं, यहाँ पर वहां से देखेंगे। तो मैं उन्हीं के साथ गई थी, मुझे काफी पसंद आई ज्वेलरी वगैरह वहां से। अगर मेला जो लगता है वो अगर नहीं लगा होता तो मैं अभी 2 से 3 बार सरस मेला हो के आ गई होती, लेकिन अभी भोजपाल मेला लगा हुआ है तो हम लोग अभी वहां पे ज्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी वो तो 1 महीने, मतलब कि वो 1.5 महीने लगता है, 1.5 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है, मतलब चला जाता है। तो मैं अभी पहले वो घूम लूँ अच्छे से, फिर बाद में एक बार फिर जाऊंगी सरस मेला। तो जिन्होंने मुझे कमेंट किया था मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये वीडियो जरूर देखें, और वो जो पहला वाला ब्लॉग है वो भी देखें। और ये वाली इयररिंग्स जो है वो मैंने खरीदी थी, ये भी मैंने खरीदे थे, ये मुझे 30 रुपीज की मिले थे, बहुत इलिगेंट लगते हैं, बहुत सुपर डिजाइन है, और मुझे इस टाइप की चाहिए थी, बिकॉज ये वेस्टर्न में इतने प्यारे लगते ना, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। ओ पहले से भी याद आया कि ये जो है ना, ये भी मैंने सरस मेला से ही खरीदे थे। ये पता है मैं बताती हूँ, ये ना एल्पेन दिवे होती थी ना जो चॉकलेट, ये उस डिजाइन में है, बिकॉज पहले वाली जो एल्पेनलिबे आती थी ना, जो सबसे पहले आती थी, वो चॉकलेट कलर में आती थी। हाँ चॉकलेट कलर में आती थी, लाइट चॉकलेट कलर में आती थी, और फिर उसके बाद जो दूसरी आई थी ना तो उसमें बिल्कुल ऐसा ही था। तो मुझे ये जब भी देखती हूँ तो मुझे एल्पेनलिबे की याद आती है, और मुझे बहुत यूनिक लग रहे थे। तो ये वाले इयररिंग्स भी मैंने खरीदे थे, जो मैंने अभी पहने, मैं भूल कैसे गई, मैं वीडियो बनाने से पहले ही मैंने कहा था कि मैं सरस ये मेला की ही इयररिंग्स पहनकर वीडियो बनाऊंगी। तो ये वाले इयररिंग्स अच्छे से देख लीजिए, ये भी मैंने खरीदी जो कि 30 रुपीज के मुझे ये भी मिले, 60 के हैं सारे, और मेरे को लग भी रहा है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वहां पे क्वालिटी से तो आपको गारंटी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां की ज्वेलरी की, मैं खुद लेके आई हूँ, मैं बता रही हूँ। आप अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बंद करके जा सकते हैं, और वहां पैसा नहीं है फिक्स रेट, अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें तो आराम से कर भी सकते हैं। तो ये वाले इयररिंग्स भी जो थे ये 60 के ही बोले थे उन्होंने, क्योंकि ये थे इनमें तो पता है बड़े बड़े इयररिंग्स में तो वो थोड़ा बहुत कम कर रहे थे, लेकिन इनमें तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप ज्यादा लोगे ना तो वो कम कर ही लेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, लेकिन अब प्यारे लगते हैं तो ये भी मैंने फाइनल कर दिए थे। ये मेरा फेवरेट था, मुझे बहुत पसंद आया था, और मुझे काफी मतलब प्राइस इसका अच्छा लगा था, 150 था, मतलब कि उन्होंने से मैंने कह दिया था अगर 150, उन्होंने 100 का बोला था उन्होंने, पर मुझे ये 150 का मिल गया, बिकॉज मैंने इनका रेट हर जगह पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा रेट होता है इनका, लेकिन मुझे वहां पे ये 150 का मिल गया, मैं पागल हो गई, मुझे बहुत पसंद था, मुझे ये चाहिए था, देखो कितना प्यारा लग रहा है, तो मुझे चाहिए था 150 में, और आपको क्या चाहिए यार, इतना अच्छा सामान मिल गया वहाँ पे, और अगर मैं थोड़ा और बोलती तो 10-20 रुपए, लेकिन इतना भी करना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा रेपुटेशन को भी मतलब। मैंने स्लीव्स में पहन रखा है तो पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही पहन के देखा था, बहुत ही फाइनल कर दिया, आई लव दिस वन, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा मुझे कहीं ये नहीं मिलता, तो मैं खुश हुई, और सरस मेला जाके मुझे सरस मेला बहुत पसंद आया। तो मैं चाहूंगी जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो वो भी जरूर जाएं और कुछ अच्छा खरीद के लाएं और मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं कि वो क्या क्या लाए हैं। और अब बारी है इसकी, जो कि मुझे मिला था 20 रुपीज का, बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है मतलब ये, लेकिन मैंने मेरे मतलब माइंड में वहां पे चल रहा था कि मैं इसमें कितनी डिजाइन कर सकती हूँ यार, मतलब कि हम लोग फैशन वाले ना एक चीज से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, एक चीज में हम लोग काफी चीज करने की सोचते हैं, तो ये मेरा ध्यान जा रहा था कि मैं इसमें क्या क्या कर सकती हूँ, सीधा हो जाया, बिकॉज मुझे ये हाथ में तो मैं इतना ज्यादा इस टाइप का नहीं पसंद करती हूँ, पर हाथ में भी अच्छा लग रहा है, हाथ में भी अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छे से पहनूंगी तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, अच्छा लग रहा था। और दूसरी चीज जो मैंने सोची थी वो ये थी कि मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से थ्रेड वगैरह लगा के इसको अगर मैं गले में पहनूं तो भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो 20 रुपीज में मेरे दो दोस्त से 3-3 काम निकलने वाले हैं, तो 20 रुपीज में मेरे दो से तीन काम निकलने वाले हैं, तो इसमें क्या बुराई अगर मैं ले लेती हूँ तो। सो यस, ये सारी चीजें खरीदी थी मैंने सरस मेला से, जो कि हो गई है कंप्लीट, मैंने कर दी सारी चीजें फिक्स, मैंने बस ये रिंग्स ज्वेलरी ये था मेरा सरस मेला, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और अगर कोई जाना चाहता है तो वो बिल्कुल जा सकता है।
चलते हैं अब, बाय बाय करते हैं, टाइम हो गया है. सो मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. मे बी कि वो टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए. जिन्होंने कमेंट किया है, मतलब कि जो लोग भोपाल से हैं और जिन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि वो भी भोपाल से ही थी, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप सरस मेला जरूर जाएं. वहां पे चीजें बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, कॉस्टली भी है, आप अपने अकॉर्डिंग रेट फिक्स कर सकते हैं, वो ऊपर नीचे कर लेते हैं, जैसा आपकी मर्जी है. अगर आप जाना चाहें, मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप वहां जाए ही जाएं. सर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अपडेट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय. Thank you.